हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। मैं हूं आपका भाई अशोकन। इस वीडियो में हम लोग फाइट स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसराइल एडिसोनिया वर्सेस मार्विन वेटोरी। देखिए, हम लोग ये प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बिकॉज बेवकूफ़ी होगी। ये एमएमए है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है बिटवीन एडिसोनिया एंड मार्विन वेटोरी। बट हाँ, हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं कि फाइटर कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाला है, एक फाइटर दूसरे फाइटर पे कौन सा चाल यूज़ करने वाला है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्विन वेटोरी से। बहुत ही आसान है ये कहना कि इस टाइम मार्विन वेटोरी राउंड वन से ही रेसलिंग यूज़ करने वाले हैं इसराइल एडिसोनिया पे। देखिए, आपको याद होगा कि उनका जो पहला फाइट हुआ था एडिसोनिया वर्सेस वेटोरी वन, उसमें फर्स्ट दो राउंड में वेटोरी ने एडिसोनिया के साथ स्टैंड अप करने की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गए थे। पर थर्ड राउंड में जब वेटोरी ने एडिसोनिया पे रेसलिंग किया, उनको सक्सेस मिला था, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा सक्सेस मिला था। बट एडिसोनिया जल्दी रिकवर हो गए थे, जल्दी खड़े हो गए थे वो, एंड ज़्यादा ग्राउंड एंड पाउंड कर नहीं पाए या फिर सबमिशन नहीं कर पाए मार्विन वेटोरी। बट उनको सक्सेस जरूर मिला था और वो एडिसोनिया के लिए एक डिसीजन विक्ट्री था। बट ये कहना कि वेटोरी, क्योंकि वेटोरी ना अभी रिसेंट इंटरव्यू में कह रहे थे कि उस फाइट में वो खुद जीते थे एंड एडिसोनिया लकीली जीत गए थे, बट ऐसी बात नहीं है, एडिसोनिया ने टोटली डोमिनेट किया था वेटोरी पे। बट वो जो रेसलिंग एंगल था, दैट वॉज श्योर, क्योंकि वेटोरी को डेफिनेटली उस फर्स्ट फाइट में सक्सेस मिला था। और वेटोरी के दिमाग में एडिसोनिया के लास्ट जो फाइट हुआ था वो भी फ्रेश है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल एडिसोनिया वर्सेस यान ब्लाहोविच, उसमें भी यान ब्लाहोविच ने एडिसोनिया को रेसलिंग से ही डोमिनेट किया था। तो ये सब मार्विन वेटोरी के दिमाग में क्लियर हैं, उनको पता है कि अगर एडिसोनिया के गेम में थोड़ा बहुत वीकनेस है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वीकनेस है, तो वो रेसलिंग है। एंड तो इस बार श्योर मार्विन वेटोरी फर्स्ट राउंड से ही रेसलिंग यूज़ करने वाले हैं, रेसलिंग टेकडाउन के लिए अटेम्प्ट करेंगे और फिर ग्राउंड एंड पाउंड या फिर सबमिशन के लिए ट्राई करेंगे इसराइल एडिसोनिया पे। एंड अभी जो एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ था, जो अपने बिस्पिंग भाई साहब ने कंडक्ट किया था, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। एक दूसरे को गाली दे रहे थे एडिसोनिया एंड वेटोरी। तो उसमें मैंने नोटिस किया, दोस्तों आप भी देखिए, मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाता हूँ। बेसिकली एडिसोनिया एंटायर वीडियो में बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, वेटोरी भी बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बट एक डायलॉग जब वेटोरी ने मारा, एक पल में जब वेटोरी ने कहा कि एडिसोनिया मैं तुम पे पूरा 100% रेसलिंग करने वाला हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि एडिसोनिया ना एक सेकंड के लिए स्टक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कुछ सोच रहे थे, पता नहीं क्या सोच रहे थे, बट स्टक हो गए थे। आप भी देखिए वीडियो में। तो ये मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एडिसोनिया के दिमाग में भी है कि रेसलिंग उनका थोड़ा बहुत वीकनेस है। बट देखो, ऐसी बात नहीं है कि एडिसोनिया का रेसलिंग टेकडाउन डिफेंस ज़ीरो है, नहीं, उसको टेकडाउन करना बहुत ही मुश्किल है एंड उनका टेकडाउन डिफेंस बहुत अच्छा है। बट एक बार अगर आप उसको टेकडाउन कर देते हो तो आपको थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है। तो वेटोरी इस बार वही ट्राई करेंगे। एंड देखिए, एडिसोनिया इज़ अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, उनको भी मालूम है कि रेसलिंग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो एडिसोनिया भी रेसलिंग, एंटी रेसलिंग टैक्टिक्स में प्रैक्टिस किया होगा। एंटी रेसलिंग बोले तो रेसलिंग को डिफेंड करना और उसको अटैक में बदलना। तो एडिसोनिया को भी खुद मालूम है, क्योंकि उनको उनके लास्ट फाइट में ब्लाहोविच ने रेसलिंग से ही परेशान किया था। तो एडिसोनिया भी रेडी होंगे, और अगर एडिसोनिया ने इस एंगल पर फोकस नहीं किया है तो फिर उनको वेटोरी के रेसलिंग से प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इस बार मार्विन वेटोरी भर भर के रेसलिंग करने वाले हैं एडिसोनिया पे। तो देखते हैं कि इसराइल एडिसोनिया मार्विन वेटोरी के टेकडाउन डिफेंड को कैसे रोकते हैं और कैसे अटैक करते हैं, और देखते हैं कि क्या वेटोरी एडिसोनिया को टेकडाउन करने में सफल होते हैं कि नहीं। एंड अब आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस एंगल में। वेटिंग फॉर योर इंटरेस्टिंग कमेंट्स गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय, सी यू। आपका भाई अशोकन।